हाय माय ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज तो सुबह सुबह उठ गई क्योंकि आज अकुल का बहुत पढ़ाई का प्रेशर है। सोच क्लास टू है फिर भी बोल रही हूँ पढ़ाई का प्रेशर है, बट ये सही बात है। बहुत ही प्रेशर है, बहुत सारी होमवर्क दिया हुआ है और नेक्स्ट मंथ आई मीन अगस्त का फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम है। ये देखो सुबह सुबह उठकर ही अकुल बैठ गए पढ़ने उठना ही नहीं चाहता है अजी, क्योंकि उठना पड़ेगा ना, नहीं उठेगा तो स्कूल में डांट पड़ेगा, पिटाई पड़ेगा, नहीं। सो इसके बाद इसको बहुत डांट रही थी क्योंकि हर रोज़ मैं इसको पेंसिल इरेजर देती हूँ, हर रोज़ नहीं दो तीन दिन बाद बार, लेकिन इरेजर को किसी को देख कर आते हैं, शार्पनर खो कर आते हैं, पेंसिल इतना फेंकता है नीचे ना, जब भी शफल करो तब भी टूटा हुआ आता है। देखो इसके बाद लगता है ना इसको मारू, सो चलो पहले पढ़ाई कर ले ये, इसके बाद मिलती हो। और मैं तो क्या करूँ, सुबह सुबह उठकर ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि बैठ जाओ कुछ करने, तो मैंने पहले एक कप चाय बनाई मेरे लिए और अंकुर के लिए, उसके बाद यहाँ पर आकर बैठ गई। वो तो अभी भी सो रहा है, उठा नहीं, अभी भी सो रहा है, इसलिए मैंने सोची कि मैं ही पीते पीते बैठ जाऊँ इसके संग, और वो अभी भी सो रहा है तो इसको सोने दो, इसको पढ़ाई वढ़ाई कर लो, कराना है इसको पढ़ाई वढ़ाई, ये कर ले पढ़ाई वढ़ाई, उसके बाद करना है कुकिंग। सो चलो, मैं ना हर रोज़ सुबह को बहुत ही बिज़ी रहती हूँ मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि अकुल का रहता है स्कूल, सो इसको पढ़ाना, नहाना, खिलाना, स्कूल का रूटीन को देखकर बैग को ऑर्गेनाइज करना, टिफ़िन बनाना, ड्रेसअप करवाना, उसके बाद उसको पुल कर तक छोड़ना, ये करते करते 11:30 बज ही जाता है। तो देख लो मेरा सुबह का रूटीन यही चलता है मंडे टू फ्राइडे। मैं ना आज भी कोई म्यूज़िक नहीं यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि जब भी मैं कोई भी म्यूज़िक यूज़ करती हूँ कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, लेकिन ये ऐप का ही म्यूज़िक है, क्यों आ रहे हैं कॉपीराइट क्लेम ये मुझे पता नहीं है। सो मैं सभी फ्रेंड्स को पूछ रही हूँ, आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी इस वीडियोस पर क्यों आ रहे हैं ऐसे कॉपीराइट क्लेम। मैं कोई बाहर का गाना या म्यूज़िक नहीं डालती हूँ, जो ऐप यूज़ करती हूँ ऐप का ही म्यूज़िक डालती हूँ, सो उसके हिसाब से तो नहीं आना चाहिए कॉपीराइट क्लेम, बट फिर भी आ ही जा रहे हैं कॉपीराइट क्लेम। सो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को पता है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना क्यों हो रहा है और क्या करूँ जो कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। यहाँ पर देखो कैसे करके समझा के भेजती हूँ स्कूल पर
के रूलर, पेंसिल, बुक्स, कॉपी और क्या क्या भेजते हैं वो, शार्पनर, ये सब खोकर ना आए, इसके उसके पास ना जाए, ठीक करके लेकर आए, उसके बाद भी ये सब कुछ इधर उधर फेंक के आता है। सो सब काम हो गया, आकुल भी स्कूल चला गया। सबसे बड़ी बात है, फिर से तबीयत बहुत ही अप एंड डाउन हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बिस्तर पे सो गई थी। उसके बाद कुकिंग किया, फिर से सोई, फिर से कुकिंग, ये करते करते अब घड़ी में 12:30 बज गया ऑलरेडी। तो अब मैं आ गई हूँ मेरे मंदिर पे, करना है पूजा, क्योंकि आज तो है ट्यूसडे और ट्यूसडे में मैं करती हूँ मंगल चंडी का पूजा। सो अब करने वाली हूँ पूजा। बाहर कितना धूप है, थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था, और आज मुझे जाना है गड़ियाहाट। ज़रूर मैं शेयर करूँगी गड़ियाहाट वाला जो वीडियो होगा क्यों जाने वाली हूँ, क्या करूँगी, क्यों जा रही हूँ, क्या खरीदना है, सब कुछ। बट सबसे बड़ी बात है ना, मेरी तबीयत कितना ख़राब है कि क्या बोलूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। पता नहीं, अचानक बहुत तबीयत ख़राब हो जाता है। सो चलो पहले कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद लंच, उसके बाद बंधन के जाना है गड़ियाहाट। ये देखो मेरी हो गया ट्यूसडे का पूजा, मंगलवार का मंगल चंडी का पूजा। अब हम लोग आ गए हैं गड़ियाहाट। क्यों आए हैं? आए हैं साड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है तोर्षा, और तोर्षा को बनाना है भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम। सो इसीलिए आ गए हैं गड़ियाहाट, और इस शॉप पर ना वीडियो करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसीलिए ज़्यादा वीडियो में नहीं कर पाई साड़ी खरीदने के टाइम। अब यह है गड़ियाहाट का फुटपाथ। यहाँ पर दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, बहुत सारी गारमेंट्स या बहुत सारी शॉप्स है, और बहुत ही रिजनेबल मिलता भी है। तो इस यहाँ से ही कुछ कुछ चीज़ खरीदना है। सो चलो देखते हैं क्या खरीदते हैं हम लोग। यहाँ पर है बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स, और क्या कर सकते हैं, इन स्टोन को एक संग रख कर हम लोग बना सकते हैं ब्यूटीफुल ज्वेलरीज। आज मैं इस शॉप पे आई हूँ कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए, बट मैं अपनी हाथों से बनाऊंगी अपनी ज्वेलरी, इसीलिए खरीदने के लिए आई हूँ। और कुछ रेडीमेड ज्वेलरी है जो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, तो वो मैं यहाँ से खरीद रही हूँ। ये जो दुकान है, ये भी फुटपाथ के ऊपर ही एक शोपीस का दुकान है, और कितना सुंदर सुंदर शोपीस है, और बहुत ही रिजनेबल है। इस शॉप का नाम है आभूषण, और इस दुकान से मैं पूरा भरतनाट्यम का जितना सारा सामान लगता है मैं यहीं से खरीदती हूँ। और मैं आ जाई हूँ घुंघरू खरीदने के लिए, और भरतनाट्यम का इयर रिंग्स खरीदने के लिए। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी सिगरेट पैंट, वो मिल
नहीं रहा था, तो इस दुकान पर मिल गया और दाम भी बहुत ही रिजनेबल है, इसलिए ले भी रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है क्वालिटीज़ जो है बहुत अच्छा है। बहुत देर पहले ही मैं आ चुकी हूँ गड़ियाहाट होकर, क्योंकि मैं तो सोची थी कि गड़ियाहाट होकर ट्यूशन को ख़त्म करके घर आऊँगी, लेकिन ये हुआ नहीं। बहुत टायर्ड लग रही थी इसीलिए आज नहीं गई तोर्षा को क्लास करवाने। तो घर आ चुकी हूँ और घड़ी में ऑलमोस्ट 8:30 बज चुका है, तो आकुल को लाने के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ पर डिनर भी बनाना हो गई है। सो चलो पहले लेकर आती हूँ। और एक बात कहना है, वो है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा, मैं आपको बोल रही हूँ सिस्टर, मैं हिंदी में ही ब्लॉग बनाऊँगी, बंगाली में नहीं। बीच में दो एक दिन मैं बनाई थी बंगाली में, बट मैं हिंदी में ही बनाऊँगी। आप लोगों को समझ में नहीं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ब्लॉग चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ या सब्सक्राइबर जो है वो लोग हिंदी में ही समझते हैं अच्छे से, बंगाली में नहीं। सो मैं बंगाली में नहीं बनाऊंगी, मैं हिंदी में बनाऊंगी। और प्लीज़ आप देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सो अब तो रात के 10:30 बज चुके हैं, हम लोगों का डिनर भी कंप्लीट, और आकुल तो कल स्कूल पर रूलर इरेजर सब कुछ नहीं, इरेजर एक रूलर फेंक गुम करके दिया हो। हाँ, और फिर किसी को दिया है शायद, या फेंक के आए हैं पता नहीं है, लेकिन इसको मिला नहीं है स्कूल पर रूलर और इरेजर। बट बाबा तो बहुत गुस्से में है, बाबा ने उसको बोला कि उसको कलेक्ट करके लेकर आना है, नहीं लेकर आओगे तो मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। तो इस सब बातें को लेकर बहुत सारी डांट पड़ा है, मार नहीं डांट। इतना रोया कि पूछो मत। सो अब तो सोने का टाइम आ चुका है, नहीं तो सुबह सुबह नहीं उठ पाएगा, और सुबह सुबह नहीं उठ पाएगा तो पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होगा तो स्कूल पर जाके मिलेगा डांट। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पर एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी कल एक नए वीडियो के संग। और ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। एक भी कमेंट नहीं आते, कुछ लोग कमेंट करते हैं और कुछ लोग देख के ही चले जाते हैं। थोड़ा सा कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छी लगेगी। सो चलो, बाय बाय, गुड नाइट।